हार्ट अटैक आया था. हार्ट अटैक? लेकिन अम्मा को तो बुखार था ना. आई एम वेरी सॉरी. सॉरी. दृष्टि बेटा कुछ कहना है दादी से तो उनके पास जाना. यहाँ से क्या देख रही है? नहीं, अगर मैं उनके पास जाऊंगी तो वो मुझे मार देंगी. आपने देखा नहीं चाकू उनके हाथ में? नहीं बेटा नहीं, हम सब बहुत प्यार करते हैं तुझसे. आ गया. चाय बना दो. रहने दो. क्या बात है, टेंशन में लग रहे हो. क्या हुआ? क्या हुआ? बेटा, तेरी बेटी बहुत ही खतरनाक होती जा रही है. मैं सब्जी काट रही थी और मेरे हाथ से चाकू छीन लिया. मैं तो डर गई थी कहीं मुझे ना चाकू मार दे. मुझे पता है दृष्टि कहाँ छुपी. लाओ चाकू इधर दो. आप बटू. दृष्टि तो बहुत ब्रेव है. लेकिन बेटा मम्मी ठीक कह रही है. चाकू से नहीं खेलते. लाओ लाओ. चलो दादी को सॉरी बोलो. नहीं मैं नहीं बोलूंगी. दृष्टि एक काम करते हैं, मैं तुम्हारा और दादी का पैचअप करवाती हूँ. ठीक है? मुझे तेरी एक हेल्प चाहिए. तुझे और मेरी हेल्प? हाँ वो एक्चुअली ना मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे मिलने बुलाया है. तेरा बॉयफ्रेंड कौन? अपने स्कूल का है? नहीं बाहर का है. बातें तो अच्छी करता है पर आज पहली बार उसने अकेले मिलने बुलाया है तो सोच रही हूँ जाऊँ या नहीं जाऊँ. लॉटरी लग गई और तू ये सोच रही है कि प्राइज मनी लूँ या ना लूँ? ज़्यादा सोच मत, जा मिल क्या. तू भी चलना मेरे साथ तेरे बॉयफ्रेंड से मिलने. क्यों कबाब में हड्डी जोड़ रही है? कबाब में हड्डी नहीं, एक से भले दो. और तू मेरे साथ चल के देख लेना कि मेरी चॉइस सही है या नहीं. तू इतना रिक्वेस्ट कर ही रही है तो मना नहीं करूंगी. पर कुल्फी खिलाएगी? पक्का खिलाऊंगी. मुझे तो लगा तेरे बॉयफ्रेंड ने तुझे रेस्टोरेंट में बुलाया होगा. पर तू उसके घर पे? ये अर्जुन का घर नहीं है, ये मेरी दूर की मौसी का घर. मैंने उसे भी अर्जुन के बारे में बता रखा है. मैंने सोचा बाहर मिलूंगी तो कोई देख लेगा, इसलिए मैंने उसे यहीं बुला लिया. यानी एक के बढ़ के दो नहीं तीन है. तेरी मौसी ने भी उसे पसंद कर लिया है और तू अब भी मेरी सजेशन पे डिपेंड है. तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है यार, तेरा सजेशन भी इम्पोर्टेंट है. मौसी ये मेरी दोस्त है प्रिया. नमस्ते मौसी. नमस्ते. आओ बेटा आओ, अर्जुन कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा है. आओ. ये मेरी दोस्त है प्रिया. आ जाओ बैठो. तुम लोग बातें करो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आती हूँ. लड़का अच्छा है पर शर्मिला है क्या? ये लो बेटा कॉफी पी. Thank you.
कहाँ जा रही है? उसने अपना काम पूरा किया और अब तेरा काम शुरू होगा। किसी धारदार चीज से मारा गया है। कमरे की हालत देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ काफी झड़प हुई है। अब घर वालों के बीच ही हुई या कोई बाहर वाला आगे मार के गया? एक काम करो पंकज, माँ से पूछो क्या बोलती है, और ये पता करो कि माँ बेटे के अलावा इस घर में कौन रहता है। सब यादव सर बाहर चेक करो, घर के बाहर या आसपास कोई सीसीटीवी है क्या, और फॉरेंसिक टीम से पूछो कहाँ पहुंची। ओके सर। इस आदमी का नाम मयूर है, यहाँ इसकी माँ के अलावा इसकी बीवी अंकित और बेटी दृष्टि रहते हैं, लेकिन ये दोनों ही सुबह से गायब हैं। प्रिया मुझे तेरी एक हेल्प चाहिए, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे मिलने बुलाया है, तू भी चलना मेरे साथ, और तू मेरे साथ चल के देख लेना कि मेरी चॉइस सही है या नहीं। उसने अपना काम पूरा किया और अब तेरा काम शुरू होगा। अब तो हमने तेरी फोटोज भी खींच ली है, और अगर तू चाहती है कि ये फोटोज तेरे माँ बाप तक ना पहुंचे, तो तू तेरे जैसी खूबसूरत किसी तेरी दोस्त या तेरी बहन को लेकर आ। कमीनी, मैं तुझे अपना दोस्त समझती थी, और तूने देख प्रिया मुझे गलत मत समझ, तेरी तरह मुझे भी मेरी एक दोस्त ले गई थी वहां पर, मेरे साथ भी वही हुआ जो तेरे साथ हुआ। यार मेरे फोटोज है उन लोगों के पास, वो लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, और अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं कि मैं उनके पास किसी को लेके जाऊंगी। माना जो तेरे साथ हुआ वो गलत हुआ, पर तूने भी अच्छा नहीं किया जूही, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। बड़ा खुशहाल परिवार था सर, पर मयूर अपनी बेटी दृष्टि को लेकर बहुत परेशान रहते थे। दृष्टि सिज़ोफ्रेनिया की पेशेंट थी। सिज़ोफ्रेनिया? साहब सृष्टि को ऐसी बीमारी थी कि उसे हमेशा लगता था कि उसे कोई मारना चाहता है। अगर मैं उनके पास जाऊंगी तो वो मुझे मार देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि कल रात को ऐसा कुछ हुआ हो जिसकी वजह से आपकी पोती नहीं आपके बेटे को? नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं हुआ। माना वो अपनी बीमारी की वजह से वहम करती थी, पर वो अपने माँ बाप के साथ बहुत खुश थी, वो तो बाहर वालों से डरती थी। आपके बेटे और बहू के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा कोई अनबन? 18 साल हो गए शादी को, ऐसा कुछ भी नहीं था, पर कुछ दिनों से मयूर बड़ा गुमसुम रहने लगा था। मयूर आलू गोभी बनाओ या कोई और सब्जी खानी है? मयूर
मयूर बेटा किस सोच में पड़े हो? कुछ नहीं माँ। मेरी बहू को लगता था कि मयूर हमसे कुछ छुपा रहा है। आपका बेटा मयूर काम क्या करता था? वो एक एक्सपोर्ट कंपनी का मैनेजर था। आपके बेटे की किसी बाहर वाले से या किसी रिश्तेदार से कोई दुश्मनी? सब। मयूर की माँ ना तो अपनी पोती पे शक जता रही है और ना ही अपनी बहू पर, लेकिन गायब दोनों ही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि दृष्टि के हाथों ही मयूर का मर्डर हुआ हो और अपनी पोती को बचाने के लिए इसने उसे अपनी बहू के साथ कहीं भेज दिया हो? हो सकता है सर, लेकिन घर के आसपास कोई भी सीसीटीवी नहीं है तो पता लगाना मुश्किल है कि मयूर का मर्डर किसी बाहर वाले ने किया है या फिर मयूर की बीवी और बेटी के ही गायब होने का कनेक्शन मयूर के मर्डर से है। एक काम करो पंकज, मयूर और उसकी बीवी के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो, उन दोनों के अफेयर्स, दोस्ती, दुश्मनी, हर एक एंगल को चेक करो और दृष्टि के डॉक्टर को मिलो एक बार, उससे उसकी मेंटल कंडीशन के बारे में पता करो। ओके सर। कोटा बहुत छोटा शहर है, तुम हमसे बच के भाग नहीं पाओगे। चार दिन हो गए, ना तू आई ना अपने साथ दूसरी बाहर लाई। तुम्हारे फोटोग्राफ्स हैं हमारे पास, दिखा इसको। अगर कल तक तू किसी दूसरी लड़की को लेकर हमारे पास नहीं आई तो ये फोटो तुम्हारे बाप को भेज देंगे, समझी ना? हाय। सुनो जूही, जूही सुनना, अरे एक जरूरी बात करनी तेरे से, सुनना। तू चले जा यहाँ से वरना मैं चिल्लाऊंगी। चिल्ला? अरे कोटा में सन्नाटा भी गूंजता है, यहाँ चिल्लाएगी ना तो बम फट जाएगा। तेरे फोटोग्राफ्स मेरे हाथ लगे हैं। कौन से फोटोग्राफ्स? वही जिसमें दो दो लड़कों के साथ। अब हमारा नंबर भी लगाना होगा। अबे नखरा नहीं चलेगा, आज नहीं तो कल दर्शन देने पड़ेंगे तुम्हें। सर, दृष्टि के काउंसलर ने बताया कि दृष्टि की मेंटल कंडीशन बचपन से ही ऐसी थी। उसका भी कहना है कि दृष्टि को हमेशा ये वहम रहता था कि उसको कोई मार सकता है। तो पंकज, कहीं ऐसा तो नहीं कि दृष्टि को लग रहा हो कि उसके फादर मयूर उसको मार देंगे और कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि दृष्टि ने मयूर को मारा और अंकिता दृष्टि को लेकर भाग गई? पॉसिबल है सर, क्योंकि अंकिता का फोन मर्डर वाली रात उसके घर के एरिया में ही बंद हुआ। मैंने अंकिता के बारे में पता किया, उसके पेरेंट्स गुजर चुके हैं, लेकिन सर ऐसा कोई भी लीड नहीं मिला जिससे पता चले कि वो इस समय कहां पर छुपे बैठे हैं। मयूर की माँ ने हमें बताया था कि पिछले कुछ दिनों से मयूर अंकिता से कुछ परेशान चल रहा था, तो हो सकता है इसके पीछे अंकिता के लव अफेयर का एंगल हो। उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर मयूर को मारा और अपनी बेटी दृष्टि को लेकर भाग गई। सर, अंकिता के कॉल रिकॉर्ड से तो ऐसा कोई भी क्लू नहीं मिला है, लेकिन हाँ मयूर के कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि उसकी हत्या से कुछ दिन पहले से उसको कोटा के एक पीसीओ से कॉल आ रहे थे और मयूर के काम से जुड़े ऐसे कोई भी इंसान का पता नहीं चला है जो कोटा में रहता हो। और मयूर की माँ ने भी ऐसा कुछ नहीं बताया कि उसका कोई रिश्तेदार कोटा में रहता है। तो फिर कोटा के पीसीओ से मयूर को कॉल्स कौन कर रहा था और इन कॉल्स का मयूर के मर्डर और अंकिता और दृष्टि के गायब होने से क्या कनेक्शन हो सकता है? एक तरफ पुलिस अंकिता और दृष्टि के गायब होने से मान रही थी कि शायद मयूर मर्डर केस की वो प्राइम सस्पेक्ट है, पर उनका पुलिस से भागने का आखिर क्या राज था ये अभी भी रहस्य बना हुआ था। पर इस रहस्य का संबंध क्या उस मामले से भी जुड़ा था जिसमें एक के बाद एक कई लड़कियां शारीरिक शोषण का शिकार बनी थी? कोटा में तो बाहर आ गई है, माय गॉड, एक जाति या दूसरी को लेके आती है।
अर्जुन जी ये हर्षा है। हर्षा ये वही बायोलॉजी टीचर है जिनके बारे में मैं बात कर रही थी। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को बायोलॉजी की फ्री ट्यूशन देते हैं, तो इनके पास पढ़ेगी तो टेंथ में टॉप करेगी। थैंक यू दीदी। अरे बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ। तो तुम मुझसे बायोलॉजी पढ़ना चाहती हो? यस सर। लेकिन मैं पढ़ाने से पहले अपने स्टूडेंट्स की टेस्ट लेता हूँ, क्या तुम टेस्ट दोगी? यस सर। ठीक है आशा, तो तुम सर को टेस्ट दो, मैं चलती हूँ। सर फिलहाल हमें कोई भी क्लू नहीं मिला है कि मयूर के मर्डर के पीछे किसी आउटसाइडर का हाथ है। मुझे लगता है कि मयूर की माँ ही हमसे कुछ छुपा रही है। मयूर की माँ को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करो और मयूर और अंकिता दोनों की ईमेल आईडीज और सोशल नेटवर्किंग अकाउंट चेक करो, शायद उनका कोटा से कोई कनेक्शन सामने आए। क्योंकि हमें किसी भी तरह से ये पता लगाना है कि अंकिता और दृष्टि इस वक्त है कहाँ। क्या हो गया बेटा? ये एक्सीडेंट हो गया इस गाड़ी का तो? नहीं हम कुछ नहीं होगा, लग जाएगा। कुछ नहीं, नहीं होगा। नहीं आप उधर जाते हैं ना, कुछ नहीं होगा। भैया आप गाड़ी रोक दो, अब रोक दो ना। दृष्टि कुछ नहीं, नहीं होगा नहीं, बेटा नहीं, नहीं देखना आप, ये गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा और हम मर जाएंगे। कुछ नहीं होगा दृष्टि, मर गई तो? नहीं भैया गाड़ी रोक दो। नहीं आराम से, आराम से, आराम से। आप जाओ, दृष्टि बेटा उतर गए ना गाड़ी से। हाँ अब मत डरो, ठीक है? हाँ चलिए। हाँ। आप आगे जाओ, मैं आप नहीं। हाँ आप आगे जाओ, मैं आपके पीछे आऊंगी। हम साथ भी तो चल सकते। नहीं आप नहीं, आप आगे जाओ, मैं आपके पीछे आऊंगी। यू गो गो। ताकि कोई तुम्हें बाहर ना मार सके। नहीं नहीं, आपकी मम्मी हूँ ना? नहीं, 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 मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? खतरा टल गया ना? कोई मुझे नहीं मारेगा। हाँ बेटा खतरा टल गया, कोई नहीं मारेगा। मुझे नहीं मारेंगे पक्का? हाँ। सर मयूर की माँ के कॉल रिकॉर्ड में तो कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला, लेकिन मैंने मयूर का ईमेल अकाउंट स्कैन किया। सर मयूर की हत्या से कुछ दिन पहले उसको गोविंद आर नाम की एक ईमेल आईडी से मिला है था। ये देखिए सर। कैसे हो मयूर जी, आजकल मेरा फोन नहीं उठा रहे, कोटा कब आ रहे हो? देर मत कीजिए नहीं तो मामला बिगड़ सकता है। तो ये गोविंद आर मयूर को कोटा बुलाना चाहता था, लेकिन ये किस मामले के बिगड़ने की बात कर रहा है? सर इस गोविंदार नाम की ईमेल आईडी से मयूर को सिर्फ एक ही मिलाया था। पंकज हो सकता है ये गोविंद आर वही आदमी हो जो कोटा के पीसीओ से मयूर को कॉल करता था। इसका आईपी एड्रेस निकालो, हो सकता है इसका मयूर के मर्डर से कोई कनेक्शन हो और ये अंकिता और दृष्टि के बारे में कुछ जानता हो।
सर जिस गोविंद आर नाम की ईमेल आईडी से मयूर को मेल आया था उसका आईपी एड्रेस ट्रेस हो गया। वो आईपी एड्रेस कोटा का है सर, और मेल भेजने वाले का नाम गोविंद राव है, वो भी कोटा में ही रहता है। गोविंद राव जी हैं? आप लोग कौन हैं? आप जरा गोविंद राव जी को बुलाइए। लगता है आप कोटा से नहीं? जी हाँ, हम स्पेशली दिल्ली से उन्हें मिलने के लिए आए हैं। आप उन्हें बुलाइए, हम अपना इंट्रोडक्शन खुद दे देंगे उन्हें। मेरे पति गोविंद कोटा में सच्ची खबरें नाम से एक साप्ताहिक पत्रिका चलाते थे। करीब 15 दिन पहले वो अपने पत्रिका के ऑफिस से घर लौट रहे थे, तभी किसी बाइक सवार ने उन्हें जान से मारने की कोशिश की। तब उनके पैर में गोली लगी थी, लोग उन्हें अस्पताल भी ले गए। 2 दिन तक वो अस्पताल में भर्ती रहे, लेकिन फिर 3rd दिन किसी ने उन्हें अस्पताल में भी। कब मर्डर हुआ आपके पति का? सर 4 जून को, लेकिन उन्हें किसने मारा ये यहाँ की पुलिस अभी तक पता नहीं लगा पाई है। दरअसल हम आपके पति से एक मर्डर केस के सिलसिले में बात करने आए थे। आपके पति की हत्या के 3 दिन बाद यानी कि 7 जून को दिल्ली के एक मयूर वशिष्ठ नाम के आदमी का मर्डर हुआ था। मयूर वशिष्ठ कौन? ये है मयूर वशिष्ठ, आप पहचानती हैं? नहीं सर, मैं तो इन्हें नहीं जानती। ये मयूर वशिष्ठ की पत्नी और उनकी बेटी है, इन्हें पहचानती हैं? नहीं सर। गोविंद राव की बीवी मयूर और उसकी फैमिली को नहीं जानती, लेकिन गोविंद राव तो जानते ही होगा। पर सवाल यह है पंकज कि दिल्ली की एक एक्सपोर्ट कंपनी के मैनेजर मयूर का कोटा के एक जर्नलिस्ट गोविंद राव से क्या कनेक्शन हो सकता, और गोविंद राव ने मयूर को ऐसा मेल क्यों भेजा कि वो कोटा आए, और ऐसा क्या था जो उस मेल में यह लिखा था कि मयूर ने अगर देर की तो मामला बिगड़ सकता है। सर गोविंद राव का मर्डर मयूर के मर्डर से 3 दिन पहले ही हो गया था। अब मयूर का मर्डर और मयूर की बीवी और बेटी का गायब होना, इन तीनों का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है, तभी तो गोविंद राव के आईडी से मयूर को मेल गया। एक काम करते हैं पंकज, गोविंद राव के मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट कर रही पुलिस टीम से मिलते हैं, शायद उनसे हमें मयूर और उसकी फैमिली के बारे में कुछ पता चले। सर कोई मुझे नहीं मारेगा, नहीं, मैं नहीं मर सकती। दृष्टि खून, ये खून क्या हुआ? वो किसी ने मुझे मारा, वो आया था और उसने मुझे मारा। देखो उसने मुझे कितना मारा। दृष्टि कोई नहीं था, कोई नहीं मारना चाहता। वो आया था, उसने मुझे मारा। मैं हूँ ना, और मैं मर जाऊंगी। मैं हूँ ना, आओ। वो आएगा, नहीं आएगा, मारेगा। आओ मेरे साथ, आराम से। किसके साथ थी तू? जानती भी है वो कौन है? वो बायोलॉजी टीचर है दीदी। और किसने मिलवाया तुझे इस बायोलॉजी टीचर से? तू मेरी बहन को लफंगों के पास लेके गई? जानती है ना कि वो सिर्फ 14 साल की है, तूने उसे भी इन सब में फंसा दिया। मानती हूँ कि मैंने भी हर्षा के साथ ठीक नहीं किया, लेकिन हर्षा तेरे ही किए की सजा भुगत रही है। तूने मुझे फंसाया और मुझे तुझ पे इतना गुस्सा आया कि मैंने तेरी बहन को फंसा दिया। गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, एक के बाद एक कोटा के सारे फूल मसले जा रहे हैं। देख जूही, मुझे गलत मत समझ, अरे मैं कोई कैक्टस थोड़ी हूँ। अब कामदेव मुझ पर इतना ज्यादा प्रसन्न है तो मैं क्या करूँ? तू मेरे साथ सोना चाहता है
सोना नहीं बेवकूफ, मैं तेरे साथ जागना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन उसके बदले में तुझे मुझे वो सारे फोटोज दिखाने होंगे जो वो लोग तुझे बनवाने के लिए देते हैं। सर, गोविंद राव सच्ची खबरें पत्रिका का एक अकेला करता धरता था, एडिटर, पब्लिशर, रिपोर्टर, हर काम वही किया करता था। लेकिन उसे खबरें छापने से ज्यादा लोगों को ब्लैकमेल करने में इंटरेस्ट था। हाँ सर, अगर उसे किसी के खिलाफ कोई खबर मिलती तो उसे छापने की बजाय वो उसे ब्लैकमेल करने लगता। पहले हमें लग रहा था कि गोविंद राव के मर्डर के पीछे इनमें से किसी का हाथ हो सकता है, लेकिन हमने इंक्वायरी की, किसी के खिलाफ कुछ मिला नहीं। गोविंद राव ने मयूर को एक मेल भेजा था, उसमें उसे कोटा बुला रहा था और उसमें यह लिखा हुआ था कि अगर मयूर ने देर की तो मामला बिगड़ जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि गोविंद राव मयूर को किसी मामले में ब्लैकमेल कर रहा था? हो सकता है सर, लेकिन हमें मयूर और गोविंद इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन नहीं मिला। कनेक्शन तो होगा, इसीलिए तो गोविंद ने मयूर को मेल किया था। एक काम करो पंकज, मयूर और गोविंद इन दोनों की बैंक स्टेटमेंट्स को टैली करके देखो, हो सकता है मयूर ने गोविंद के अकाउंट में कुछ पैसा ट्रांसफर किया हो जिसका कनेक्शन उस ब्लैकमेलिंग से हो। ओके सर। फिर से नखरा? देख, मैं तुझे तभी अलाउ करूंगी जब मुझे तू सारे फोटोग्राफ्स की नेगेटिव्स देगा। लेकिन तूने कहा था तुझे सिर्फ फोटोज देखना है, अब नेगेटिव्स क्यों चाहिए? क्यों, तू सोना नहीं चाहता है मेरे साथ? दृष्टि बेटा, ये हमारा नया घर है और यहाँ आपको कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा। अर्चा, एग्जाम आने वाले हैं ना, पढ़ाई वगैरह कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। 10 के बाद ना तू साइंस लेना, मैं चाहता हूँ कि तू डॉक्टर बने। तुम्हारी बहन जूही ये तो पढ़ाई में कुछ ध्यान देती नहीं है, तू अपने पापा का नाम जरूर रोशन करना। दीदी, I'm sorry. मुझे प्रिया दी के साथ नहीं जाना चाहिए था ना। हर्षा, जब तक तेरी दीदी है तुझे किसी बात से डरने की कोई जरूरत नहीं, तू बस ये सब भूल जाओ और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। पापा को मुझसे कोई उम्मीदें नहीं है, लेकिन तू उनके सपने जरूर पूरे कर। सर, मैंने गोविंद राव और मयूर दोनों के बैंक स्टेटमेंट टैली किए, लेकिन ऐसा कोई भी क्लू नहीं मिला जैसे लगे कि मयूर गोविंद को पैसे ट्रांसफर करता था। सर, मैंने गोविंद का बैंक लॉकर भी चेक किया, उसके लॉकर में ये फोटो मिला है सर। लेकिन गोविंद राव के लॉकर में मिली इस फोटो का मयूर से क्या कनेक्शन हो सकता? सर, एक बच्ची का इंटीमेट फोटो है, अगर मान लो कि गोविंद मयूर को ब्लैकमेल कर रहा था तो हो सकता है कि उस मेल और ब्लैकमेलिंग का इस फोटो से कोई कनेक्शन हो। सर, एक लेटर आया आपके। ये फोटोग्राफ गोविंद राव के लॉकर में? जी। लेकिन सर, ये फोटो में कौन है मैं इन्हें नहीं जानता, और ये फोटोग्राफ भी काफी पुराना है। लेकिन इसी तरह के फोटोग्राफ से जुड़ा हुआ एक केस बहुत पहले कोटा में सामने आया था। किस केस की बात कर रहे हैं आप? सर, लगभग 25 साल पहले 1992 में कोटा में एक सेक्स स्कैंडल का पर्दाफाश हुआ था। गोविंद राव ने अपनी साप्ताहिक पत्रिका इसी केस के बाद शुरू की थी। मुझे लगता है कि ये फोटोग्राफ्स उसी केस से जुड़ा हो सकता है। लेकिन वो केस एग्जैक्टली था क्या?
सर कोटा का काफी फेमस केस है। 1992 में यमुनानगर पुलिस स्टेशन को एक अज्ञात लेटर आया था। उस लेटर में यह लिखा हुआ था कि कोटा के बहुत सारे लड़के कोटा की मासूम बच्चियों को मोलेस्ट कर रहे हैं। और सर उस लेटर में दी हुई इंफॉर्मेशन के आधार पर यमुनानगर पुलिस स्टेशन ने बहुत सारी गिरफ्तारियां भी की थी। सर जैसे जैसे इस केस का खुलासा होता गया बहुत सारे चौंकाने वाले तथ्य सामने आते गए। बता और सच बता। सर हमने एक बार लड़के लड़की को गार्डन में सेक्स करते हुए देख लिया था सर। हमने उनकी फोटो खींची सर। हम फोटो को दिखा के उस लड़की को ब्लैकमेल करने लगे। अब अगर तू चाहती है कि तेरे फोटोज तेरे माँ बाप तक ना पहुंचे तो तू तेरे जैसी खूबसूरत लड़की को मेरे पास लेकर आ। सर उसके बाद जो कोई भी लड़की हमारे पास आती हम उसके सामने वही शर्त रखते थे। तुम तीनों के अलावा और कौन कौन था जो उन लड़कियों का शारीरिक शोषण करता था? और सर उन तीन लड़कों के बयान के आधार पर बहुत सारे लड़कों की गिरफ्तारियां भी हुई। सर इस केस में लगभग 100 से ज्यादा लड़कियां विक्टिम थी और बहुत सारी लड़कियों ने सुसाइड भी कर लिया था। सर जैसे जैसे मामला बढ़ता गया कोटा की लड़कियों की शादी करना उनके माँ बाप के लिए बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि जैसे ही लोगों को पता चलता कि लड़की कोटा से है उन्हें लगता कि ये भी उस केस की विक्टिम हो सकती है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये लड़की उन विक्टिम्स में से एक हो सकती है? लेकिन सवाल यह है कि गोविंद राव के लॉकर में ये फोटो क्यों रखी हुई? सर अगर गोविंद इस फोटो के बेसिस पे मयूर को ब्लैकमेल कर रहा था तो हो सकता है कि वो 25 साल बाद भी इन तीनों के टच में होगा। सर ये फोटो देखिए, इसमें दो लड़के हैं और दोनों के चेहरे प्रोफाइल में हैं। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें से एक मयूर हो और इसीलिए गोविंद मयूर को ब्लैकमेल कर रहा था? यू आर राइट पंकज। एक काम करो, मयूर की 25 साल पुरानी फोटो चेक करो। हो सकता है गोविंद और मयूर के मर्डर का कनेक्शन 25 साल पुराने उस सेक्स स्कैंडल केस से हो। कुलदीप को बोल के उस केस की सारी फाइल्स मंगवाओ और ये पता लगाने की कोशिश करो कि इस फोटो में जो लड़की है और दो लड़के हैं ये है कौन। ओके सर। अंकिता और दृष्टि की कोई अपडेट? सर मैंने उनका फोटो कोटा के सभी थानों में सर्कुलेट करवा दिया है, लेकिन फिलहाल अभी तक ऐसा कोई लीड नहीं मिला जिससे पता चले कि वो इस वक्त है कहाँ। अंकिता और दृष्टि अब भी पुलिस की पहुंच से दूर थे, लेकिन मयूर की माँ इस बात से वाकिफ थी कि वो कहाँ है या कुछ ऐसा था जो वो खुद पुलिस से छिपा रही थी। अब पुलिस मयूर और गोविंद मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने के लिए 92 में सामने आए कोटा सेक्स स्कैंडल की फाइल्स के पन्ने पलट रही थी और जल्द ही कुछ नए समीकरण सामने आए। सर जिस बच्ची और दो लड़कों की फोटो गोविंद के लॉकर में मिली थी उसमें मयूर नहीं है। मैंने मयूर के 25 साल पहले की फोटो चेक की और इस तरीके की कोई भी फोटो 1992 के कोटा सेक्स स्कैंडल केस की फाइल्स में भी नहीं मिली है। लेकिन पंकज ये फोटो लग तो इसी पीरियड की रही है। अब इस केस में 100 से ज्यादा लड़कियां विक्टिम थी और सिर्फ 18 लड़के गिरफ्तार हुए थे। कई एक्यूज और विक्टिम्स तो ऐसे थे जिनकी आज तक पहचान ही नहीं हो पाई, तो पूरे चांसेस हैं कि इस फोटो में जो लड़की है वो उसी केस की एक विक्टिम हो और ये जो दो लड़के हैं ये ऐसे एक्यूज जिनकी आज तक पहचान नहीं हो पाई। लेकिन सर इस केस में मयूर का कोई कनेक्शन मिल नहीं पा रहा। मैंने गोविंद के कॉल रिकॉर्ड चेक किए, उसके मर्डर से पहले तक ये गोविंद इस केस से जुड़ी दो औरतों के टच में था। कौन दो औरतें? सर उसमें से एक है प्रिया सिंह जो इस केस की विक्टिम थी और दूसरी है सल्ला जो इस केस के अक्यूज अमित बिस्ट की वाइफ है। सर अभी ये सल्ला और प्रिया दोनों के फोन बंद है। लेकिन गोविंद एक विक्टिम और एक अक्यूज की वाइफ के टच में क्यों था? सर ये अमित बिस्ट की फोटो प्रोसेसिंग लैब हुआ करती थी और ये अमित ही उन लड़कों द्वारा खींची गई फोटो को डेवलप करता था। सर ये अमित इस केस का बड़ा अक्यूज था जो उन लड़कों के लिए काम करता था जो लड़कियों की फोटो खींचकर उन्हें ब्लैकमेल करते थे। सर अमित ने बयान दिया कि जो फोटोग्राफ यमुनानगर पुलिस स्टेशन में शिकायत के रूप में भेजे गए उसी के लिए आपसे चोरी हुए थे। इन फोटोज में जो 18 लड़के हैं उनको तो हमने दबोच लिया। अब तू ये बता इनके अलावा और किस किस को तू जानता है? सर मैं अर्जुन सुमित और ये सुबोध इन तीनों के अलावा और किसी को नहीं जानता, क्योंकि बस यही तीनों हमसे फोटो डेवलप करवाने आते थे। लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं कि तेरी वजह से सब पकड़े गए। तूने किसी को ये फोटोज दिए जो हमारे पास एनवेलप में पहुंचे? क्या मतलब? जूही ने हम सबको फंसाया। जूही कौन? केटी पब्लिक स्कूल की लड़की है। उसने ही मुझसे कहा था कि अगर मैं उसे इन फोटोग्राफ्स का नेगेटिव दूंगा तो वो मेरे साथ भी सोने के लिए। लेकिन सर मैंने उसको कुछ नहीं दिया। शायद मेरे लैब से वो सारे फोटो चुरा करके ले गई हो। सर अमित के बयान के बाद माना गया कि जूही इस केस की विसल ब्लोअर थी।
जूही यहीं रहती है? सर, जूही यहां रहती थी। थी मतलब? अब कहां है वो? हमें मिलना है उससे। तो हो सकता है कि जूही नहीं वो फोटोग्राफ्स यमुना नगर पुलिस स्टेशन में भेजे हों, पर बात पुख्ता नहीं हो पाई सर। पर प्रिया जूही के कॉलेज में ही थी, जिससे गोविंद 25 साल बाद भी टच में था। टच में तो अमित की बीवी के भी था। ये अमित बिष्ट आजकल है कहाँ? सर, इसे बाकी अक्यूज के साथ आजीवन कारावास की सजा मिली है, अभी ये कोटा जेल में बंद है। सर, शायद इससे मिलकर इसकी बीवी सरला और प्रिया के बारे में कोई लीड मिले, जिससे गोविंद टच में था। सर, हो सकता है कि ये मयूर के बारे में भी कुछ जानता हो। पिछले 25 साल से मैं इस चार दीवारी में बंद हूं, मुझे क्या पता होगा कि ये कौन लोग हैं? इस लड़की को और दो लड़कों को तो पहचानता होगा, क्योंकि 25 साल पहले ये फोटो तूने ही डेवलप किया था। नहीं साहब, मैं इनको नहीं जानता। एक बात बता, तेरी बीवी गोविंद राव के टच में क्यों थी? साहब, 25 साल से यही कालकोठरी मेरी जिंदगी है। बाहर मेरी बीवी किससे मिलती है, क्या करती है, मुझे क्या पता होगा? सर, बाकियों ने भी उस लड़की और दो लड़कों को आइडेंटिफाई नहीं किया। सर, क्या वाकई में इस फोटो का 25 साल पुराने सेक्स स्कैंडल से कोई कनेक्शन हो सकता है? और मुझे इस फोटो का मयूर से भी कोई कनेक्शन नहीं मिल पा रहा। अब यह समझना मुश्किल है कि गोविंद इस फोटो के लिए ही मयूर को ब्लैकमेल कर रहा था या फिर कहानी कुछ और है। लेकिन पंकज, मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि अमित उस फोटो में मौजूद लड़की और दोनों लड़कों को पहचानता है, लेकिन किसी वजह से बता नहीं रहा है। हेलो सर, गोविंद के लॉकर से जो फोटो मिली थी और उसमें जो लड़के थे, उसमें से एक लड़के की पहचान हो गई है। कौन है वो? पुष्कर का एमएलए किशोर दीवान। सर, मैंने किशोर दीवान के हैंचमैन के कॉल रिकॉर्ड चेक किए, उसका नाम देवराज है, ये उसका फोटो। सर, सर 1 जून को जहाँ पर गोविंद राव पर हमला हुआ था वहाँ पर इसका फोन एक्टिव था, और 4 जून को जिस हॉस्पिटल में गोविंद राव का मर्डर हुआ वहाँ पर भी इसका फोन एक्टिव था। फिर तो पूरे चांसेस हैं कि गोविंद का मर्डर इस देवराज ने ही किया हो। माना कि देवराज ने गोविंद को मारा, लेकिन क्या मयूर का मर्डर भी देवराज ने किया होगा? अब ये तो देवराज ही बताएगा कि मयूर के मर्डर और मयूर की बीवी और बेटी के गायब होने का क्या चक्कर है। उठा के लाओ इसे। तुझे क्या लगा कौन है? अच्छा ये बता, मुझे क्यों बुलाया यहाँ? अंदर तो आओ। ये तेरी बेटी है, बहुत ही सुंदर है। अंगद बोल। सर मानते हैं नेताजी कहने पे गोविंद राव को मैंने मारा, लेकिन मयूर वशिष्ठ को मैं नहीं जानता और उसके मर्डर में मेरा कोई हाथ नहीं है। तेरा नहीं तो तेरे नेताजी का हाथ होगा। वैसे तेरे कबूलनामे के बाद नेताजी का कबूलनामा छाप सकते हैं। कुलदीप जी। सर। नेताजी का अरेस्ट वारंट निकलवाओ। ठीक है सर। इंस्पेक्टर साहब, हमने देवराज को किसी का मर्डर करने के लिए नहीं भेजा था, आप समझने की कोशिश कीजिए। अरे वो नमक हरामी कर रहा है हमारे साथ। नेताजी, अब आपका कोई पैंतरा नहीं चलेगा, और आप सिर्फ गोविंद राव के मर्डर केस में ही नहीं,
25 साल पुराने कोटा सेक्स स्कैंडल केस में भी फंसने वाले हैं। जिस आदमी ने 25 साल पहले ये फोटो डेवलप की थी, अमित बिष्ट, उसने भी अपना मुंह खोल दिया है। साहब, ये फोटो पहले पुलिस के पास नहीं थी। इसकी नेगेटिव मैंने घर में छुपाकर कहीं रख दी थी, लेकिन कुछ समय के बाद जब मैंने अखबार में देखा कि किशोर दीवान एमएलए का इलेक्शन जीत लिया था, तब मुझे ख्याल आया। मैंने सोचा कि वो पिछले 25 साल से बाहर ऐश कर रहा है और हम लोग यहाँ जेल में सड़ रहे हैं, इसलिए मैंने अपनी बीवी को मिलने के लिए बुलाया और मैंने बोला कि वो किशोर दीवान की फ़ोटो गोविंद राव को दे दे ताकि वो उसको ब्लैकमेल कर सके और जब मैं यहाँ से निकलूँ तो मेरे पास कुछ पैसे हो। अमित बिष्ट की बीवी ने ये फोटो गोविंद राव को दी थी और गोविंद राव इसी फोटो के लिए आपको ब्लैकमेल कर रहा था और इसीलिए आपने देवराज को बोलकर गोविंद राव का मर्डर करवा दिया। अब चुप मत बैठिए, ये बताइए लड़की कौन है और इस फोटो में आपके साथ ये दूसरा आदमी कौन है? सर, इस लड़की को मैं नहीं जानता, लेकिन इसे प्रिया लेकर आई थी हमारे पास। और ये दूसरा आदमी कौन है? सर, इसका नाम अमजद है और ये बहुत ही रईस बाप की औलाद है और जैसे ही स्कैंडल सामने आया इसके बाप ने अमजद को यूएसए भेज दिया था और तब से सर ये वहीं है। सर, इस फोटो में जो बच्ची है उसकी पहचान हो गई है, उसका नाम हर्षा है और जिस जूही नाम की लड़की ने यमुनानगर पुलिस स्टेशन में एनवेलप भेजने के बाद सुसाइड किया था, ये हर्षा उसी की बहन है। सर, पता चला है कि इनके माँ बाप कई सालों पहले गुजर गए थे, लेकिन अभी हर्षा कहाँ है इसका कुछ पता नहीं चल पा रहा। लेकिन इस लड़की हर्षा और अमजद का मयूर से कोई ना कोई कनेक्शन तो होगा। किशोर ने हमें बताया कि हर्षा को उसके पास प्रिया लेके आई थी। प्रिया के बारे में कुछ पता चला? चालाक मत बन प्रिया, तेरी शादी नहीं हुई इसीलिए तूने मेरा घर बर्बाद करने की सोची। पच्चीस साल पहले भी तूने ही मेरी जिंदगी खराब की थी और 25 साल बाद भी तूने ही मेरा घर उजाड़ा। तेरी बहन जूही ने मेरी जिंदगी उजाड़ दी, खुद ने तो सुसाइड कर लिया, लेकिन 25 साल पहले मेरे साथ कितनी लड़कियों के नाम पुलिस को दे दिए थे। जूही दीदी की वजह से ही वो कमीने पकड़े गए थे। वो इतनी ही महान थी तो उसने अपनी और तुम्हारी फोटो पुलिस को क्यों नहीं दी थी? मैंने तेरे पति को कुछ नहीं बताया, वो गोविंद राव ने उसको ब्लैकमेल किया होगा। हर्षा सुन तो मेरी बात, वो मेरे पास तेरा नंबर मांग रहा था, बोल रहा था तेरी स्टोरी छापने के लिए। हर्षा मैंने कुछ नहीं किया। हर्षा, अंकिता, जूही दीदी के सुसाइड के बाद पापा ने मुझे मेरे मौसा मौसी के यहाँ माधवपुर भेज दिया। जूही दीदी के जाने के गम में पापा की भी मौत हो गई। मेरे मौसा मौसी ने मुझे नया नाम दिया, पहचान दी, क्योंकि वो जानते थे कि कोटा की लड़की होना मेरा भाग्य कभी नहीं बदल सकता। उन्होंने मुझे पढ़ाया, मयूर से मेरी शादी की, लेकिन जो कुछ भी मेरे साथ हुआ मैं वो सब कभी भूल नहीं पाई। और इसी स्ट्रेस की वजह से मैंने एक ऐसी बेटी को जन्म दिया जो बचपन से ही स्किज़ोफ्रेनिया। और 18 साल बाद मयूर को पता चल गया कि मैं कोटा की उन्हीं लड़कियों में से एक हूं। तूने और तेरे मौसा मौसी ने इतना बड़ा धोखा किया मेरे साथ, तेरी वजह से वो 2 करोड़ का पत्रकार मेरा नाम और मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाने की धमकी दे रहा है। लेकिन मयूर, चुप कर, कुछ नहीं सुनना है मुझे। तेरी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है। मैं मयूर को मारना नहीं चाहती थी सर, पता नहीं वो सब कैसे मैं घबरा गई थी, बस इसलिए दृष्टि को लेके वहां से भाग गई। मैं जानती थी कि अगर मुझे जेल हो गई तो दृष्टि का ध्यान कोई नहीं रखेगा, इसलिए मुझे वहां से भाग जाना ही ठीक लगा। हम सब की जिंदगी में कोई ना कोई एक ऐसा राज जरूर होता है जो हम शायद अपने करीबी से करीबी इंसान को भी बताने से डरते हैं और अपने करीबियों से सच छुपाने को सिर्फ और सिर्फ धोखे और फरेब की संज्ञा देना हमेशा ठीक नहीं होता। और छिपाया गया सच अगर वाकई बहुत कड़वा है तो भी उसे इतना विषैला नहीं बन जाने देना चाहिए कि माफी मांगने और माफी देने की
गुंजाइश ही खत्म हो जाए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।